लगातार उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मेरा इसको एंजॉय कर रहे होंगे। दुआ करते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें और अपनी लाइफ को ऐसे ही एंजॉय करते रहें। वेलकम टू माय शो द फूड फनाटिक। तो जी नाजी, आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों को ऐसी रेसिपी सिखाने जा रही हूँ जो कि पेशावर में, काबुल में बहुत ज्यादा खाई जाती है। हम लोग बात कर रहे हैं काबली पुलाव की। तो जी नाजी, आज मैं आप लोगों को जबरदस्त सा ऑथेंटिक स्टाइल में काबली पुलाव कैसे बनता है वो बनाना बताऊंगी। तो इस एपिसोड में आप लोगों ने मेरे साथ बंधे रहना है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो जी नाजी, मटन काबली पुलाव के लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, ये मेरे पास है 750 ग्राम हड्डी वाला मटन और इसको मैंने हाफ टी स्पून नमक, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन के पेस्ट और हाफ टी स्पून जीरे के साथ बॉईल कर लिया। ये मेरे पास 750 ग्राम मटन है और उसकी यखनी मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। सो ये मेरे पास तकरीबन 2.5 ग्लास यखनी है क्योंकि मेरे पास 1 से 1.25 कप जितने चावल हैं, ठीक है। तो मैं इसकी रेशो आप लोगों को बाद में बताऊंगी, लेकिन फिलहाल आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास पैन चाहिए, इसमें आप लोग डालेंगे तकरीबन 1/2 कप के जितना ऑयल और 1/2 कप ऑयल में आप 1 मीडियम प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जो ही प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा इसका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन फिलहाल हम लोग ऐसा करते हैं कि प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं अच्छी तरीके से। तो जी नाजीन, देखिए बहुत जबरदस्त सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है प्याज, आप लोगों ने जलाना नहीं है, बड़ा प्यारा सा कलर देना है। जब कलर आ जाएगा तो ये वाला उबला हुआ मटन जो है आपने इसके अंदर डाल देना है और अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसको आपने प्याज में बड़ा अच्छा सा फ्राई करना है ताकि जो बॉइल्ड मटन है ना वो फ्राई का इफेक्ट देने लग जाए, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैंने नमक डाला है तो नमक आप लोगों ने अपने टेस्ट बड के लिहाज से डालना है, लेकिन मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन 1/2 टीस्पून नमक मजीद, ठीक हो गया। ये मैंने इसमें नमक डाल दिया। उसके बाद ये मेरे पास है गरम मसाला पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है। उसके बाद ये मेरे पास है हरी इलायची का पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है। उसके बाद ये मेरे पास है काली मिर्चों का पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है। इसमें कोई लाल मिर्च नहीं डलती, गरम मसाले से ही इसका फ्लेवर आता है, ठीक हो गया। अब जो है इसको मैं अच्छी तरीके से फ्राई करूंगी और फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर यखनी डाल दूंगी, ठीक है। लेकिन पहले अच्छी तरीके से हम लोग मटन को फ्राई कर लेते हैं मसाले के साथ। तो जी नाजिन, बहुत जबरदस्त सा मटन इसमें गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन 2.5 ग्लास जितनी यखनी। अच्छा, अब 2.5 ग्लास मैंने इसलिए डाले क्योंकि मेरे पास 1/2 ग्लास चावल भीगे हुए मौजूद है। यहाँ पर मेरे पास है बासमती चावल तकरीबन 1/4 कप के जितने, जिसको मैंने 1/2 घंटा पहले भिगो दिया था। अब 1/4 कप में यूजली डबल द क्वांटिटी पानी या फिर यखनी डलता है, लेकिन मैं हमेशा 1/2 कप कम डालती हूँ ताकि खिले खिले और मजेदार चावल बने, ठीक है। अच्छा, इस स्टेज पे क्या करना है आपने, इसके अंदर आप लोगों ने डाल देना है तकरीबन 1 टेबल स्पून चीनी का, ठीक है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ये हमने डाल दिया इसमें 1 टेबल स्पून चीनी। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है और जब चावलों का ये पानी जो है, यखनी जो है, ये बॉयल होने लग जाएगी फिर मैं इसके अंदर ये वाले चावल डाल दूंगी, ठीक है। अच्छा, अब जो है एक और प्रोसीजर हम लोग करेंगे, इसको मैं दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट करती हूँ जब तक ये बॉयल आता है। चावल कब डालूंगी आप लोगों को बता दूंगी, लेकिन एक नेक्स्ट प्रोसीजर हमने करना है, वो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो जी नाजिन, जब तक इसको बॉयल आ रहा है यखनी को हमारे, यहाँ पर हम एक प्रोसीजर कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर है 2 टेबलस्पून ऑयल, ठीक है। 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल में आपने क्या करना है, ये मेरे पास है चीनी तकरीबन 3 टेबलस्पून आप लोगों ने चीनी लेनी है और आपने इसको जो है गोल्डन ब्राउन होने के लिए, कैरमलाइज होने के लिए छोड़ देना है। जो ही ये कैरमलाइज हो जाएगी चीनी, उसके बाद का क्या प्रोसीजर होगा मैं आप लोगों को बताती हूँ, लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती चलूँ कि पानी बॉयल हो चुका है। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1/4 कप के जितने चावल और चावल डालने के बाद मैं इसको एक दफा चलाऊंगी और ढक दूंगी, ठीक है। अब जब चावलों का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा इसको हम लोग दम कैसे देंगे मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन फिलहाल इसको हम लोग दम पे छोड़ देते हैं और मतलब कि पानी खुश्क होने के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ पर हम लोग चीनी के साथ क्या करना है आप लोगों को बताती हूँ। जब चीनी बड़ी अच्छी सी कैरमलाइज होना स्टार्ट हो जाएगी फिर मेरे पास यहाँ पे मौजूद है 1 कप के जितनी गाजर, जिसको मैंने ऐसे बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लिया है, जूलियन स्लाइसेस में। ये मेरे पास है बादाम, बादाम को मैंने छिलका उतारा और सेंटर से मैंने हाफ कर लिया। उसके बाद ये मेरे पास है तकरीबन 1/2 कप के जितनी सौगी यानी मेवा यानी किशमिश, ठीक है, मीठे वाला। और बादाम भी 1/2 कप है, मेवा भी 1/2 कप है, ठीक है।
अब जब ये कैरमलाइज हो जाएगी चीनी, गाजर, बादाम और जो मेवे हैं मैं इसके अंदर डाल दूंगी, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम लोग कैरमलाइज होने का वेट कर लेते हैं। तो जी नाज़रीन, आप देख सकते होंगे बड़ा अच्छा सा इसमें कैरमलाइज हो चुकी है चीनी। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर डाल दूंगी ये वाली गाजर, गाजर के बाद मैं इसमें डाल दूंगी मेवे और ये वाले बादाम। अब अच्छी तरीके से इसको मिक्स करूंगी, ठीक है। और इसके अंदर मैं डाल दूंगी तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून पानी का। ये मेरे पास है 2 से 3 टेबलस्पून पानी का, ताकि चीनी जो है वो अपना कैरमलाइजेशन छोड़ दे। ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। ये कुछ मैं गार्निशिंग पे डालूंगी और कुछ मैं चावलों के अंदर स्टेज पे डालूंगी, ठीक है। अब देख लेते हैं कि चावलों का पानी खुश हुआ है कि नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ है, जब चावलों का पानी खुश हो जाएगा फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसका बाकी प्रोसीजर क्या होगा। तो जी नाजिन, यहाँ पर बड़ा जबरदस्त सा चावलों का पानी बिल्कुल खुश होने लग चुका है। अच्छा, इस स्टेज पे आपने इसके अंदर डालने हैं तकरीबन 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ठीक है। उसके बाद ये जो हमने बनाया हुआ है गाजर का मिक्सचर, ये मैं आधा इसके ऊपर डाल दूंगी और आधा जो है मैं क्या करूंगी प्रेजेंटेशन के बोल में डालूंगी, ठीक है। जो ट्रे हमारी जो डिश होगी उसके अंदर डालूंगी, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर कुछ डाल दिया है। अब जो है इसको मैं दम दे रही हूँ तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, और 5 से 7 मिनट के बाद हमारा जो जबरदस्त सा काबली पुलाव है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो जी नाजिन, यहाँ पर जबरदस्त सा काबली पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुका है। चूल्हा मैंने इसका बंद कर दिया। आप देख ही सकते हैं कितना जबरदस्त और खिले खिले देखे जूसी चावल बने हैं, ठीक है। अब जो है आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि ये सारा कुछ है ना ये इसके अंदर मिक्स हो जाए। अच्छा, कभी भी चम्मच जो है ना वो वुडन स्पून नहीं लेते हैं, वुडन स्पून से चावल जो है वो बैठ जाते हैं। इस तरह का स्टील के चम्मच से आपने इसको निकालना है। उसके बाद ये चावल आपने इसके अंदर से निकाल कर ट्रे में रखने हैं, और लास्ट में जो मेरे पास गाजरे हैं ना वो आपने इसके अंदर स्प्रिंकल कर देनी है। तो ये सारा का सारा चावल मैं इसमें से निकालती हूँ और जब स्प्रिंकल करने लगूंगी तो आप लोगों को दिखा दूंगी। तो जी नाजिन, जबरदस्त सा काबली पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं आप लोगों को इसकी प्रेजेंटेशन की फुल लुक दिखाती हूँ। कल मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे गाँव में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।